हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम, वेलकम बैक टू MPSIC वर्चुअल क्लासेस। आज एम पी त्रिपाठी योर सब्जेक्ट टीचर। टुडे आई विल टीच यू द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। नाउ वी स्टार्ट। आवर लास्ट टॉपिक इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरणीय अपक्षय और सतत विकास। नाउ वी स्टार्ट। Our mismanagement of natural resources will result into environmental degradation that is not confined to national or state boundary. Now the focus is on sustainable development, which permits us to use the resources carefully. तो पिछले वर्षों में जो हमारा mismanagement था natural resources का, अर्थात natural resources को यूज़ करते समय हम सही मानकों का प्रयोग नहीं करते थे, उनका दुरुपयोग करते थे, उसी का परिणाम ये हुआ है कि हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो गया है, डिग्रेड हो गया है या उसमें पतन शुरू हो गया है। इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना राज्य सरकारों ने और ना केंद्र सरकारों ने, ना यहाँ के निवासियों ने। किंतु अब जो है हमारा फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा है, अर्थात सतत विकास पर ज़्यादा है। इसलिए जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये हमें ये परमिशन देता है कि आप रिसोर्सेज का यूज करिए, किंतु केयरफुली करिए, सावधानी पूर्वक करिए, जिससे इनका दुरुपयोग ना हो। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ न्यू टर्म दैट इज़ एसोसिएटेड विद द बैलेंस्ड यूज आप नेचुरल रिसोर्सेज बाई यूजिंग रिसोर्सेज एट मिनिमम लेवल सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन यूज इट। तो सतत विकास एक नया शब्द है जिसका अर्थ है कि नेचुरल रिसोर्सेज का हमको बैलेंस यूज करना चाहिए, संतुलित प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिनिमम रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकें और ये रिसोर्सेज का दुरुपयोग ना हो, ये ताकि ये रिसोर्सेज बचे रहें, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इनका यूज कर सके। ठीक, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे यहाँ। फर्स्ट पॉइंट इसमें है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। डिफ्लेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन पंजाब, वेस्ट यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया पॉइंट्स टू ओवर यूज एंड ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। देयर इज 40% डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर सोर्सेज इन इंडिया। भारत के कुछ राज्यों, विशेष करके पंजाब, वेस्ट यूपी और साउथ इंडिया में, तथा जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर ग्राउंड वाटर का अधिक यूज होने की वजह से इसमें लगभग 40% जो ग्राउंड वाटर है हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया, जिससे आने वाले समय में ग्राउंड वाटर क्योंकि प्योर होता है, पीने योग्य होता है, उसकी कमी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जॉस्टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू June 2018, द टोटल रिजर्व ऑफ द क्रूड ऑयल स्टॉक इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू लास्ट जस्ट फॉर 50 years एज कंट्रीज आर फास्ट यूजिंग अप द ऑयल रिजर्व एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट वेल डेवलप्ड येट। जो वर्ल्ड एनर्जी का सर्वेक्षण हुआ 2018 में, उसमें ये रिपोर्ट सामने आई कि जो हमारा क्रूड ऑयल है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैसेज एक्सेट्रा, ये अगले 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, जिससे जिस तेज़ी से ऑयल रिजर्व जो हमारा है वो समाप्त हो रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ ही समय में, लगभग 50 वर्षों में हम इसके प्रयोग से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका अल्टरनेटिव सोर्स है, वैकल्पिक स्रोत है एनर्जी का, जिसे हम लोग जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसका प्रयोग अभी ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है या बहुत ही कम मात्रा में हो पाया है। नाउ स्टूडेंट, होमवर्क फॉर यू, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज फाउंड। सेकेंड, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड, राइट एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। थैंक यू।